बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं शिराज जट्ठा आपका, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। आज सुबह का आगाज़ नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, आपके हाजतों के साथ अल्लाह तबारक व ताला सब पे आसानियाँ फरमाए, हर एक की दिली मुरादें पूरी अता फरमाए। जजाक। तो आज भाई ने पानी लगाया हुआ था रात को, आज वो था, तो अभी वो घर आ चुका है। मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है, बच्चों को उठाया, उसके बाद अब वो तो आके लेट गया, तो अब मैं जा रहा हूँ। अब पीटर भी स्टार्ट हो गया, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ। देखते हैं रात का कितना पानी किन किन खेतों में लग चुका है। चले मेरे साथ चलें। आए ऊपर से छलांग लगा के अब हो मेरे ख्याल में ये नीचे से पानी निकल रहा है कहीं से, ये ऊपर से तो बंद हो चुका है, इधर से ही निकल रहा होगा। बंद कर देते हैं इसको, इस तरह थोड़ा थोड़ा भी पानी निकलता रहे ना, तो फिर जो मेन पानी जिस जगह लगा होता है उस जगह फिर इस प्रेशर कम हो जाता है, तो ये फिर थोड़ा थोड़ा बंद करना पड़ता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये भैंसों का चारा था, ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारा पानी का भर चुका है, तो ये जो भैंसों के लिए हम लोगों ने तूड़ी बनाई थी, ये वो है जो आपको मैंने पहले दिखाई थी एक वीडियो में। तो आगे फिर ये ऑलमोस्ट हमारा चारा कंप्लीट हो चुका, इसमें पानी भर चुका है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फजल जिसने हमें वक्त दिया, ज़िंदगी दी, जान दी, माल दी। ये इस वाले इस जगह पे ये जो खेत है, इसमें हमने अभी नया चारा बीज दिया, इसलिए कि जब वो वाला चारा ख़त्म होगा तो ये वाला तैयार हो जाएगा। देखते हैं इसको कितनी ग्रोथ हुई है इसकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे बीज कॉम्पल निकली हुई हैं, ये देखें निकल रही हैं ज़मीन में से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इसका जो है जमाव हो रहा है, अच्छी तरह जम रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत निकल रहा है, अल्लाह का फजल है, करम है उसकी ज़ात का। तो ये तब तक हमारा ये रेडी हो जाएगा जब तक हम वो अपनी भैंसों को डाल देंगे, फिर ये हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा जब तकरीबन एक दो फुट की हाइट तक होगा, तो फिर इसके साथ वाला जो आगे खेत है वो ये फिर इसमें चारा बीज देंगे। जब ये ऑलमोस्ट दो तीन फुट का हो जाएगा फिर इसमें बीज देंगे, ताकि हमारा प्रोसीजर सर्कल जो है ना वो चलता रहे, कि जैसे जैसे हम लोग पीछे से ख़त्म होता जाए आगे से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होता जाए। तो पीटर हमारा स्टार्ट है, वो आपको याद होगा चावल की पनीरी के लिए जो हम लोगों ने लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, करम है, तो मुझ पे भी हो आप पे भी हो, बड़ी खूबसूरत जम चुकी है। करीब चलते हैं, देखते हैं चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो एकड़ हैं इसमें पानी इकट्ठा लगा हुआ था दो एकड़ में, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा रह गया। पानी की बारी नहर की थी वो तो अब बंद हो चुका है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रह गया इधर। तो आगे चलते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर लेज़र लगा हुआ। तो एक ये खेत था, इस खेत में पहले भैंसों का चारा था, अब गर्मी हो गई है, ये चारा ख़त्म हो गया तो इसको पानी लगा दिया, अब इसमें हल चलाएँगे। इसका तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो आगे फिर अब हमारा वो जो ज्वार है, ज्वार में पानी लगाया हुआ था रात को, वो भी देखते हैं कितना हो गया वो। तो ये अब इसमें हल चलाएँगे, ये अब भैंसों के लिए चारा था जो सर्दियों में होता है, जिसको हम आम शटाला भी कहते हैं, तो ये अब ख़त्म हो गया। ये बीज के लिए रखा हुआ है जो आपको फूल फूल ये नज़र आ रहे हैं, ये इसके बीज बनाएंगे अब,
मशीन लगा के, जिसके साथ उस मशीन के साथ जिस मशीन के साथ हम लोग टूड़ी बनाते हैं, चापर उसको कहते हैं, उसी के साथ ट्रैक्टर के साथ चलेगी और इसका बीज बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी निकली है, देखें बहुत खूबसूरत। सब्ज़ा तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। उसकी ज़ात का जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया, बहुत बड़ी बात है। तो उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है, करम है। हम जो भी सुबह सुबह उठते हैं अपने काम में करते हैं उसमें अल्लाह तबारक व ताला की बरकत शामिल होती है। जब बिस्मिल्लाह लेके कोई भी काम शुरू करते हैं, फजर की नमाज पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है जो बंदा पांच वक्त की नमाज पढ़ता है मैं उसको पांच इनाम दे देता हूँ। पहले इनाम की तो हमें दुनिया पे ख्वाहिश होती है, वो इनाम ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला कहता है जो बंदा पांच वक्त नमाज पढ़ता है मैं उसके रिज़क की तंगी को दूर कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें इस दुनिया में? सबसे पहले तो रिज़क ही चाहिए ना, उसी के पीछे दौड़ें लगी हुई हैं, उसी के पीछे सारे भाग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा करम है, फ़ज़ल है। तो ये मैं दिखाता हूँ हमारे पौधे हैं, तो ये ऑलमोस्ट अभी इसका छिलका उतर रहा है, उसका कवर ये उतारता है, इसको सफ़ेदा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूकलिप्टस जी। ये इसको वैसे सफ़ेदा कहा जाता है तो इंग्लिश में इसका नाम है यूकलिप्टस। मैं भी बहुत कम लोगों को पता होगा इसका जो है ना यूकलिप्टस इसको कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये अभी इसका छिलका उतर रहा है, ये देखें अब छिलका उतर जाएगा, अब ये फिर इसकी जो नई खाल है इसकी इसके ऊपर आ जाए, फिर इसी तरह अगले मौसम में ये देखें ये भी इसने उतारा हुआ है, ये देखें ये भी उतर गया छिलका इसका, ये भी उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत दरख्त है, बड़ा प्यारा है। तो कोई भी अल्लाह पाक की बनी हुई चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये पानी लगा हुआ है अभी हमारा, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पीटर स्टार्ट है। तो बस ये तो काम इसी तरह आज का जारी रहेगा। तो थोड़ा बहुत था आज का व्लॉग, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आज सुबह का वक़्त था। तो इसके बाद फिर चलते हैं आगे। ये अब पानी तो मैं अब पीटर बंद करने लगा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सारा हमारा जो खेत थे आज जिनको लगना था। तो इसके बाद फिर चलते हैं। और फिर एक और बात, अल्लाह का बड़ा करम है फ़ज़ल है जिसने अपनी नेमतों से नवाजा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने नज़र आ रहा होगा वो मेरा घर है, साथ में हवेली है, साथ में ही पोल्ट्री फार्म जो बनाया हुआ है मैंने वो भी साथ ही है। तो ज़मीनों के बीच में ही घर है, ये उसका बड़ा फ़ज़ल है करम है, कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता, हर चीज़ें नज़दीक हैं, फैसिलिटी है। तो बाकी आज का व्लॉग तो चलता रहता है अभी, तो फिर आगे बात होती है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन टोटल जो ज़मीनें हैं वो पानी लग चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पीटर बंद कर दिया, तो आज का व्लॉग ख़त्म हो रहा है, तो चलते हैं घर की तरफ। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि इंटरटेनमेंट हो। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे करने हैं तो, और नमाज़ पढ़ते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।